भाई साहब, हर एक इंसान में एक जज्बा होता है कि हम अपने जीने की लाइफस्टाइल को कभी नहीं छोड़ेंगे, यानी कि जो भी हो जाए हम जीने की रूटीन में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड करते रहेंगे और हमारी लाइफस्टाइल को लंबे से लंबा बना के ही रहेंगे। तो वैसे ही जिद ठान लिए हमारे 117 एथलीट्स जो ओलंपिक्स 2024 पेरिस में गए, वो सारे प्लेयर्स ने एक ही बात ठानी है कि कुछ भी हो जाए हमको इस बार गोल्ड मेडल जीत के आना ही है, आना ही है, आना ही है ओलंपिक में। तो मैं बात कर रहा हूँ यस्टरडे जो मैच हुआ इंडिया वर्सेस ग्रेट ब्रिटेन के बीच में, जो हॉकी का मैच हुआ था, वहाँ पे हमारे इंडियन भाइयों ने ग्रेट ब्रिटेन के बंदों को पछाड़ पछाड़ के मारा है। यानी कि आप समझो कि एक एक के पॉइंट पे मैच ड्रॉ होता है और उसके बाद शूटिंग का मौका मिलता है दोनों टीम को चार चार बार। तो चार चार बार में हमारे बंदों ने चार के चार बार गोल कर दिया और ग्रेट ब्रिटेन को हमने सिर्फ दो ही बार गोल करने दिया। यानी कि समझो कि हमारे बंदों का जो परफॉर्मेंस लेवल है वो ऑन दी टॉप है। यानी कि वो इधर से ही ठान के गए थे कि कुछ भी हो जाए इस बार जो पिछले साल 2020 में टोक्यो में हुआ था वो इस बार हम दोहराने नहीं देंगे। तो उसी जज्बे के साथ हमारी टीम इंडिया ने, जो हॉकी की टीम इंडिया है, उन्होंने भाई झंडे गाड़ दिए और वो सेमीज में पहुंच चुके हैं। और सेमीज में आई होप सो कि वो जीत जाए और फाइनल में आ जाए। और हमारा काफ़ी लंबा रिकॉर्ड रहा है जब से ओलंपिक स्टार्ट हुआ है 1980 से, तो तब से हम चैंपियंस बनते आ रहे हैं। और चैंपियंस नहीं बने तो हम कहीं ना कहीं टॉप पोजिशन पर खत्म किए, रनर्स अप रहे हैं। पर इस साल हम सेमीज में तो आ गए, पर फाइनल में आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस बार हमने ठाना है कि गोल्ड लाना है। अभी तक 3 ब्रोंज आ चुके हैं पर गोल्ड या सिल्वर एक भी आया नहीं है। और हाल फिलहाल हॉकी की पोजीशन में, यानी कि पॉइंट्स टेबल में, हम हैं पूल बी में और पूल बी में हम सेकंड पोजीशन पे हैं। तो सेकंड पोजीशन पे रहना, मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि हमको बेनिफिट मिल सकता है जो सेमीज में, क्योंकि सेमीज में हमारा दूसरा मैच है और दूसरा मैच होपफुली हम जीत पाए और फाइनल में चले जाए। तो लेट्स होप कि हमारी प्रेज और हमारी जो हैशटैग हमने बनाया है चीयर फॉर भारत, वो सब लगातार लोगों उनको सपोर्ट करते रहे। जो 117 एथलीट्स जो गए उनको सिर्फ हमारा सपोर्ट चाहिए और हमारा प्यार चाहिए, तो वो सिर्फ अपने देश का झंडा गाड़ के आएंगे उधर पेरिस में और सबको दिखा देंगे कि हम भी भारतीय किसी से कम नहीं है। तो बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो मैंने सोचा कि हर एक स्पोर्ट्स का हम कर रहे हैं तो हमारी जो नेशनल स्पोर्ट्स है उसको क्यों पीछे रखे, तो मैंने सोचा कि इसका वीडियो बनाना बनता है। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जो आपको पसंद आया, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना तो भूलना ही मत। और जो आपका कोई भी सजेशन या आप बोलते हो कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो प्लीज़ सजेस्ट करो इन कमेंट बॉक्स एंड कमेंट ड्रॉप करो इन कमेंट बॉक्स। तो लेट्स गो, हम ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बटन।